हैप्पी एनिवर्सरी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं फ्रैंकी मम्मी के शॉर्ट वीडियो में। और जो लोग नहीं जानते ना मम्मी की कौन सी चैनल है, तो मैं आपको बता दूं, मम्मी की एक कुकिंग चैनल, तो गाइस जाके सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भाई इतनी प्यारी प्यारी रेसिपी होती होगी ना, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हो ना उनको भी पता होगा कि मम्मी क्या ही बनाते हैं यार रोज। तो गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं फ्रैंकी, साथ में बैठ के मैं आपको बताता हूँ। और गाइस अभी टाइम हुआ है 12:25 हो चुकी है, मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हाँ, हम लोग जाते हैं नीचे फ्रैंकी बनाते हैं, नीचे मतलब यहाँ ही तो हम फ्रैंकी बनाते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे फ्रैंकी बनाने की तैयारी चल रही है। और गाइस मम्मी ना ये लेके आए थे इस तरह के चिप्स मारने के लिए, देखो, लेकिन इससे तो कुछ हुआ नहीं, तो मम्मी हाथ से ही काम चला रहे अभी। वाह, तो हमारी फ्रैंकी बन रही है। और गाइस मम्मी की आज सालगिरह भी है। गाइस मम्मी ने ये चिकन को ना तवे में फ्राई किया है, चिकन दाना ही समझ लो इसको, मम्मी का चिकन दाना। तो भाई इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, मैं तो गाइस ना सुना है गाइस, मैं तो चिप्स पारते पारते खाते ही जा रहा हूँ चुपके चुपके। तो भाई एक मैंने ले लिया है, तो मैं खा के आपको बताता हूँ। वाह, गाइस चिकन दाना ही लग रहा है मुझको, पर इसके हम फ्रैंकी बनाएंगे, तुम बनाते हो। गाइस वीडियो बनाने की फुल तैयारी हो चुकी है। ये रहा चिकन, टमाटो सॉस, सेजवन चटनी। और गाइस ये जो मेयोनीज है ना, वाओ, ये मैंने खुद बनाई है गाइस। और गाइस जाके सब्सक्राइब करो अपनी मम्मी को, दो भाई मुझे सिखा सकते हैं तो भाई किसी को भी सिखा सकते हैं मम्मी, भाई मुझे सिखा दी मेयोनीज बनाना, इतना ईजी है ना भाई। और ये रोटी भी मम्मी ने घर पर ही बनाई है। और ये प्याज, और भाई फुल तैयारी हो चुकी है। गैस हम लोग भूल चुके थे तंदूरी मेयोनीज, तो देखो मम्मी ने मेयोनीज के अंदर ये वाली चटनी डाल दी। गैस इसी को कहते हैं तंदूरी मेयोनीज, ये दोनों मिक्स करते ना तब बनती है तंदूरी मेयोनीज। वाह, देखो ऊपर तो दिख नहीं रहे, अभी मम्मी मिक्स करके रुको, शॉर्ट वीडियो बनाने में। तो हाँ गैस बन चुकी है हमारी तंदूरी मेयोनीज, तो मैं आपसे शॉर्ट वीडियो बनाने के अब तो बाद ही मिलता हूँ। गैस हमारी फ्रैंकी बन के तैयार हो चुकी है। और भाई देखो ठीक ही है, देखो भाई एक बाइट मैंने मान लिया था मम्मी के शॉर्ट वीडियो के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसलिए मुंह में पानी आ रहा है अभी वीडियो बनाते बनाते। और गैस इतनी ज़्यादा स्पाइसी है ना, इतना ज़्यादा टेस्टी है ना भाई, मुझसे तो रहा नहीं जाता। वाओ, तो आपसे खा कर मिलता हूँ। गैस रात हो चुकी है और रात के 10 बजने ही वाले हैं, 10 में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। तो गाइस आज है मम्मी की एनिवर्सरी, मम्मी पापा की। मम्मी लेके आए केक, तो मैं आपको बताता हूँ केक आ चुका है, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे वाला केक दिया है। चलो हम ओपन करते हैं, ऐसा लग रहा है मेरी बर्थडे। वाओ, कामिल और पप्पा के आने के बाद ही हम केक कट करने वाले हैं, तो गाइस आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी मम्मी और पापा की एनिवर्सरी है, तो इसलिए हम आज केक कट करने वाले हैं। हम लोग कामिल के बिना ही केक कट करने वाले हैं, क्योंकि गाइस कामिल गया है संतोष नगर की जरी देखने, तो भाई उसको आने में एक ही अभारा तो बच ही जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा गाइस एनिवर्सरी का, आज की एनिवर्सरी ख़त्म ही हो जाएगी। तो हम लोग पहले केक केक कट कर लेंगे, काम के लिए थोड़ा सा रख देंगे। केक की अनबॉक्सिंग। फाइनली हमारा केक आ चुका है। तो गाइस इसको मैं वहाँ से जला के लेके आई थी, और वो वाली ट्रिक मेरी नाकामयाब हो गई, तो हम इसे करेंगे। गाइस ये पहले से ही जला के लेके आ रही थी, वाह क्या दिमाग है। तो अभी केक की वेटिंग में हम सब बैठे। किस चीज की वेटिंग में बैठे हो तुम? मेरे पापा के बाल सूख नहीं रहे। आई पप्पा का
टी मम्मी का, और ये केक मेरा, ये सबको दे देंगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और पूरा केक मेरा। गाइस अभी हम लोग थंबनेल के लिए फोटो ले रहे थे और पापा की टीचर अच्छे नहीं आ रहे थे, वो पन चेंज कर लिए। अब हम लोग केक कट करेंगे। केक को तो मैं फ्रीजर में भी रखा है, फ्रिज में, सॉरी फ्रीजर ही बोल रहा हूँ मैं, फ्रिज में भी रखा है। अभी हम लोग निकालेंगे उसको। वाओ, चलो चलो चलो, उससे मुझे डांटेंगे, पक्का डांटेंगे। केक आ चुका है फिर से एक और बार, और भाई मुझे लग रहा है बेकरी वाले की कुछ गलती है। मम्मी इधर देखो, बेकरी वाली की है या तो तेरी है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Happy anniversary! टी और आई बैठे भी ऐसे हैं, यहाँ आई और यहाँ टी। हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी कह रहा हूँ मैं भी। रुको मैं थोड़ा सा, कौन सा अच्छा चले बेटा देखो, हमारा केक कट हो चुका है कामिल के लिए, हम लोग साइड में रखेंगे और पूरा केक खा जाएंगे। गपा, ये मैं खाऊं। तो उसका सीन होते हुए बोल 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 मिट्टला। गाइस देख सकते हो आप, चाइनीज पार्टी हो रही है अभी हमारी, और कामिल का केक तो साइड में रख दिया हम लोगों ने। वाव, हम लोग इसको फूंक मारना ही भूल गए मम्मी और पापा वीडियो के चक्कर में।